आज के हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। 4 मार्च से शुरू किया जाएगा आई एम वेरिफाइड वोटर अभियान। अवैध तरीके से लॉटरी टिकट का बिक्री करने वाले 3 धंधेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1200 टिकट और बेचे गए टिकट के पैसे को भी किया गया बरामद। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद की गई कार्रवाई। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आगमन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात सुरक्षा व्यवस्था समेत विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। योगी टाट में बनने वाले डेयरी मिल्क प्लांट का करेंगे शिलान्यास। और बेंगाबाद के मधुवाड़ी में आम बागवानी को असामाजिक तत्वों ने किया बर्बाद। 56 आम के पेड़ों को काटा। लाभुक समिति ने थाना और वीडियो को दी सूचना, जताया आक्रोश। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कुलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ, सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीसी नवन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता लिस्ट में अपना नाम और बूथ चेक कर सकते हैं। समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु दिनांक 4 मार्च से सोशल मीडिया के माध्यम से आई एम वेरिफाइड वोटर अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके निमित्त मतदाताओं के बीच सतत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। डीसी ने बताया कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं, कौन सा बूथ है आदि सारी जानकारियां पा सकते हैं। यदि कोई अन्य त्रुटि है तो नाम पंजीकरण करने एवं सुधार आदि हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिले में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाने हेतु अभियान चलवाया जाए। डीसी ने सभी से कहा कि देश का पर्व चुनाव का पर्व में सभी अहम भूमिका निभाए। सभी अवगत हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अपने चरम पर है। किसी भी चुनाव को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है वो होता है कि आपका मतदाता सूची कितना हेल्दी है, कितना स्वच्छ है, हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसमें यह देखा जाता है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं सभी का मतदाता सूची में नाम जुड़ गया है। जो नॉन एलिजिबल हैं, मृत मतदाता जो कि पलायन या तो पलायन कर चुके हैं, वो उनका नाम का विलोपन हो जाए और किसी भी तरह का संशोधन अगर आपका वांछित है तो वो संशोधन हो जाए। हम लोगों ने स्पेशल समरी रिवीजन विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जो चलाया था 27 अक्टूबर से लेके 12 जनवरी 2024 तक, उसके पश्चात में फाइनल वोटर हेल्पलाइन ऐप या जो वोटर सर्विस पोर्टल है उससे आप चेक कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रहे हैं पूरे राज्य भर में, आई एम वेरीफाइड वोटर्स हैशटैग कैंपेन, ताकि लोग अपने अलग अलग माध्यम से, चाहे वो वोटर हेल्पलाइन ऐप, चाहे वो वोटर सर्विस पोर्टल, ए आर ओ ऑफिस, ई आर ओ ऑफिस,
और अपने संबंधित बूथ जाके मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। किसी भी प्रकार का अगर निबंधन नहीं हुआ है, अगर उसमें गैप है या अगर विलोपन हो गया है गलती से, या अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो तत्काल आप अप्लाई कर दें और सुधार हो जाएगा, ताकि सभी जो वोटर्स हैं वो अपने आप को एक वेरीफाइड वोटर के तौर पे, सत्यापित वोटर के तौर पे पुष्टि कर ले चुनाव के दिवस के काफ़ी दिन पहले। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। और जो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि जो इस बार का जो टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो इसको एक बिल्कुल ही लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको सफल बनाने में आप सभी का जो योगदान है वो अपेक्षित है। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक शनिवार को हुई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु दिनांक 4 मार्च से सोशल मीडिया के माध्यम से आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके नियमित मतदाताओं के बीच तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी ने बताया कि किसी भी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में निबंधित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिले में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाने हेतु अभियान चलवाया जाए। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे। अवैध तरीके से लॉटरी का टिकट बेचने वाले 3 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को कोर्ट में पेशी करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगौदर सरिया धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में थाना प्रभारी बगौदर सुख सागर सिंह चौधरी, संजय कुमार एवं सशस्त्र बल के द्वारा बगौदर बस स्टैंड में छापेमारी की गई। इस दौरान गुफरान अप्पू सोनार और पंकज रवानी को रंगे हाथ लॉटरी बेचते हुए दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी बगौदर वासियों को लोभ लालच देकर अवैध लॉटरी बेचा करता था। इनके पास से लॉटरी के कुल 1200 टिकट बरामद किया गया, जिसका कीमत करीबन 1 लाख रुपया है एवं बेचे हुए लॉटरी से कमाए हुए 5000 रुपया भी बरामद किया गया है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गिरिडीह आने के संभावित कार्यक्रम को लेकर शनिवार को अधिकारियों के साथ डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला का स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जिला स्तरीय के कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का गिरिडीह आगमन 4 मार्च को संभावित है। इसी को लेकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से संबंधित निर्देश उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने अधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने कहा कि उक्त कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर ले, साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें, ताकि उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाए। आगे उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे तत्काल रूप से पूर्ण करें। योगी टाड़ में बनने वाले डेयरी मिल्क प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री नगर भवन से करेंगे, साथ ही इन्हीं कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर नगर भवन की साफ सफाई, साज सज्जा एवं अन्य संबंधित निर्देश नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को दिया गया। इसके साथ ही बोड़ो स्थित हवाई अड्डा से झंडा मैदान परिसदन भवन और नगर भवन तक यातायात सुविधा को भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में एसी प्रशिक्षु आईएएस समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिला में परिक्रमण प्रस्तावित है और इसमें टाउन हॉल में एक शिलान्यास कार्यक्रम होगा
डेयरी दूध डेयरी मिल्क जो प्लांट है जो हम लोगों ने इसका एक शिलान्यास होगा जिसका जमीन सी सी एल डी बी के बगल में जो भी टाण है वहाँ पे हम लोगों ने चिन्हित किया है। इसके साथ ही बड़की सरैया टाउन हॉल का उद्घाटन होगा और तीसरा है विभिन्न जो आर सी डी के जो रोड्स हैं उनका शिलान्यास होगा। तो ये ऑनलाइन शिलान्यास का कार्यक्रम है ये टाउन हॉल से। बेंगाबाद के मधुआडी में गौरी देवी के 40 डिसमिल जमीन पर लगे आम बागवानी को असामाजिक तत्वों ने बर्बाद कर दिया। मंजर और टिकोले से भरा 56 आम के पेड़ों को असामाजिकों ने शुक्रवार की देर रात को आरी के सहारे पेड़ को काट कर नष्ट कर दिया। बगीचा में एक भी आम के पेड़ों को नहीं रहने दिया गया और बगीचा के घेराबंदी को भी तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डाला है। शनिवार सुबह में आम की बगिया देखने गई सुखदेव यादव की पत्नी गौरी देवी बगीचा में आम के पेड़ों की जमीन पर धाराशाही देखकर वहां हताश हो गई। इस बात की खबर मिलने के बाद स्थानीय मुखिया मोहम्मद सिद्दीकी अंसारी सहित गांव के लोग जमा हो गए। इस घटना से दुखी गौरी देवी ने अज्ञात के विरुद्ध मेगाबाद थाना और वीडियो को आवेदन देकर इस घटना की सूचना दे दिया है। बताया जाता है कि मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत गौरी देवी के नाम पर आम बागवानी की स्वीकृति दिया गया था। लाभुक द्वारा बड़ी मेहनत से बगीचा तैयार किया गया परंतु आम बागवानी की बगिया उजड़ने से लाभुक बेहद दुखी हो गए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आरती कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डीहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से प्लस टू तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को परांगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है जिसकी पहचान। हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे प्लस टू के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में
बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले गुमान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वाता है, जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताबू सजना कितना मुझा होना। सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हाँ, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955659973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कुलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ, सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूज़लाइन पर। राधा कृष्ण हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ को लेकर शनिवार को बेंगाबाद के बड़कीटांड गांव से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 1100 कुंवारी कन्या और महिलाएं शामिल थी। वहीं मौके पर ग्रामीण महिला पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा बड़की टाट गांव से चलकर घाघरा, कर्माटाड, फुसरोटी, बेंगाबाद सहित कई अन्य गांव का भ्रमण किया। बेंगाबाद में स्थित पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव के निवास स्थान पर कलश यात्रा में शामिल धर्म प्रेमियों के लिए शरबत पानी का इंतजाम किया गया था। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद सदस्य परमिला देवी और पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कलश यात्रा का बाजे गाजे के साथ आगवानी किया गया। लगभग 11 किलोमीटर दूरी तय कर कलश यात्रा नदी घाट पर पहुंची। पेशरा टाट नदी घाट पर यज्ञाचार्य लाल बाबा जी महाराज तथा वाचक कृष्ण नंद शास्त्री, वाराणसी के अनिल शास्त्री सहित पंडितों की मंडली द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और समस्त तीर्थ नदियों का वाहन कर कलश में विधि जल भराया गया। 2 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलने वाली 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर श्रद्धालु भक्तिभाव में डूबा हुआ है। यज्ञ स्थल को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। बड़कीटांड यज्ञ समिति महायज्ञ के मुख्य आयोजक है। जिला
विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से कोर्ट परिसर में मोटर वाहन दुर्घटना बाद के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक कौशल अली, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी, वरीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा के पावन कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मिश्रा ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टेक होल्डर के लिए प्रदान किया गया है। दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाने से मोटर वाहन दुर्घटना बाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजेश कुमार बग्गा के द्वारा बताया गया कि आज का वर्कशॉप सभी स्टेक होल्डर के लिए जैसे पुलिस पदाधिकारियों, बीमा कंपनियों, चिकित्सकों, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं, क्लेमेंट के अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से अपील किया कि आज के इस वर्कशॉप के तकनीकी सत्र में विद्वान न्यायिक पदाधिकारियों एवं रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताए जा रहे दिशा निर्देशों का अनुपालन मोटर वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों में करें, ताकि इन मामलों के पीड़ितों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन और विषय प्रवेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिश्नोई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अपर कुटुम्ब न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला जज पंचम संजीव कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम सहित सभी न्यायिक। डुमरिया SDPO कार्यालय में CDPO सुमित प्रसाद ने डुमरिया अनुमंडल क्षेत्र के नव पदस्थापित थाना प्रभारियों के साथ शनिवार को एक बैठक की, जिसमें थाना में दर्ज मामलों सहित केस के अनुसंधान पर चर्चा किया गया और कहा कि जल्द ही लंबित मामलों का जांच करके मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया गया। वहीं बैठक में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रशासन की भूमिका और तैयारी का भी रिपोर्ट ली है। बैठक में SDPO ने सभी थाना प्रभारी को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार में जुड़ जाने का आदेश दिया और कहा कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। इस बैठक का उद्देश्य एक दूसरे को पहले तो परिचय करना था और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो गए हैं। उनके क्षेत्र में जो भी क्राइम एंड क्रिमिनल्स है उनका प्रोफाइलिंग करना, उनके क्षेत्र में जो भी गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके लिए रजिस्टर का खोलने के बारे में लोगों को बताया गया है, और जो आगामी जो चुनाव आ रही है उस चुनाव में जो किए जाने वाले विधि व्यवस्था से संबंधित जो भी कार्रवाई की जानी है उससे संबंध में ये मीटिंग रखी गई थी। डुमरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर BLO सुपरवाइजरों और कर्मचारियों को दिए जा रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें LRDC जितराय मुर्मू, BDO अन्वेषा ओना, CO शशि भूषण वर्मा ने लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण दिया है। वहीं प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड में पड़ने वाले सभी बूथों की सुविधाओं और कमियों को भी जाना, जबकि प्रशिक्षण मतदाताओं को बूथों तक लाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सभी BLO और BLO सुपरवाइजर का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें सभी BLO को आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पदाधिकारी आदि मौजूद हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द आते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिस्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर मोती ज्वेलर्स के सामने
कोर्ट रोड टावर चौक के निकट गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाड़े स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इम्पोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स बुढ़िया खाद मोड़ के निकट गिरिडीह धनबाद रोड में बरवाड़ी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला साथी ई रिक्शा, जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइस 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहां उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुंचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901, 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7038645619551520। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को गांडी में आदिवासी समाज ने न्याय यात्रा निकाल कर केंद्र सरकार के प्रति विरोध जताया। इस क्रम में आदिवासी समाज के चांदमल मरांडी व महालाल हेमरेन की अगुवाई में गांडी के महाजोरी, कन्हैया डी, कमरा डीहा, भलपहरी समेत अहियापुर पंचायत के फतेहपुर, फोकलो, पत्थर आदि गांवों में भ्रमण किया। इस दौरान आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी अपने हाथों में तीर, धनुष, टांगी वगैरह, पारंपरिक हथियारों व विभिन्न तरह के नारे, लिखी हुई तख्तियां लेकर आगे बढ़ रहे थे। सभी हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दिसोम गुरु जिंदाबाद, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासियों का शोषण करना बंद करो आदि जैसे कई सरीखे नारे लगाए जा रहे थे। न्याय यात्रा के बाद फतेहपुर गांव स्थित खेल मैदान के पास पेड़ के नीचे नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां से आदिवासी समाज के लोगों ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस न्याय यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने में महालाल हेमरेन, चांदमल मरांडिक, बालेश्वर हांसदा, सुशील सोरेन, प्रदीप मुर्मू, जितन बेसरा, विनोद हांसदा, रामलाल बेसरा, दिलीप हांसदा, मुंशी हांसदा, सुखदेव किस्कू, चांदमुनी देवी, फुलमुनी देवी, बड़की देवी, छोटकी देवी आदि सहित महाजोरी, कन्हैया डी, भलपहरी, फतेहपुर, फोकलो, पत्थर, लाडू धा, तिलोबोनी, सिमरा कुद्दर आदि गांवों के मांझी, परानिक, जोगमांझी, न्यायकी, गोडेत के अलावे काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। हम लोग का जो 31 जनवरी को हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने घेर के बाद जबरन जेल में डाल दिया, इसी के संबंध में हम सभी आदिवासी में अत्याचार बिना न्याय के लिए हम लोग हर क्षेत्र में न्याय यात्रा मांगने के लिए निकल रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, यही लेकर के हर क्षेत्र में निकल रहे हैं हम लोग न्याय यात्रा। हम लोग को कहना है कि इस तरह के अत्याचार हम आदिवासी के साथ बंद करें केंद्र सरकार। अब ये शिबू सोरेन का बेटा है, जन जन तक आज झारखंड का आदिवासी, झारखंड क्षेत्र कोने कोने तक जानते हैं कि हमारा शिबू सोरेन ने आदिवासी के लिए बहुत सहयोग किया है। जिन परिस्थिति में थे इस क्षेत्र के आदिवासी, और उनका बेटा आज जेल में है, उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के न्याय के लिए हम लोग न्याय यात्रा निकाले। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी में शनिवार को दिव्यांग जांच कैंप का आयोजन किया गया। यहां गिरिडीह के स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर फजल, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार व CHC गांडे के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अबू कासिम अपनी टीम के साथ दिव्यांग जांच में जुटे रहे। डॉक्टर फजल ने बताया कि गिरिडीह सदर अस्पताल में 8 व 25 तारीख को दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाता है। दूरी होने की वजह से जागरूकता को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, हाथ व पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों का जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गांडे जिला से आए हैं, आँख के हैं, मानसिक है, हड्डी के हैं, तो जिनका यहाँ जितना प्रतिशत निकल रहा है उनको उतना दिया जा रहा है ताकि उसका लाभ ले सकें, तो घर पहुँच जाए जो आधार एड्रेस इस पर। आज जिस अंदाजा बाहरी से भीड़ लग रहा है कि 100 के आसपास लोग आए होंगे।
अध्यक्ष संजय सिंह, जिला अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मौके पर संचालक ने सभी का गर्मजोश के स्वाद बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा फीता काटकर सर्कस की शुरुआत की गई। मौके पर अतिथियों ने सर्कस को एंजॉय किया, साथ ही संचालक को अपनी शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सर्कस देखने की अपील की। वहीं संचालक ने बताया कि यहां पर योजना 300 का आयोजन किया जा रहा है, लोग आए और सर्कस को एंजॉय करें। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे शहर गिरिडीह में जेमिनी सर्कस का आगाज हुआ है और मैंने आज इसका इनॉग्रल शो देखा, काफ़ी इम्प्रेसिव है। जब सर्कस देखता हूँ तो बचपन की याद आती है, आज भी मुझे बचपन की याद आ गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि गिरिडीह की जनता इस सर्कस को एंजॉय करेगी और मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक ये सर्कस चलना चाहिए ताकि गिरिडीह वासियों को इसे देखने का और इसका आनंद उठाने का भरपूर मौका मिले। गांडी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किए। इस क्रम में वे प्रखंड क्षेत्र के रक्षुटा, रानाटाड़, नमनिया, बांकी गला, बागाडी, करमई, सलैया आदि गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मिलजुल कर लोगों का हालचाल जाना, प्रति क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत हुए व समस्याओं को लेकर सकारात्मक पहल कराने का आश्वासन दिया। वही शिक्षा, स्वास्थ्य, कार आदि विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की। इस जनसंपर्क अभियान में युवा नेता फरदीन के संग हारून राशिद, मोहम्मद आसिक, मोहम्मद निसार, मोहम्मद ताजुद्दीन सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। पचम्बा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार में मां बेटी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि महिला की 16 वर्षीय पुत्री दुकान जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने इसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद यह वापस घर आकर इसी बात की शिकायत अपनी माँ से की। इस बात को लेकर जब इन लोगों ने पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो उन लोगों ने मारपीट कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गई। घायल व्यवस्था में ये लोग पचम्बा थाना पहुंचे, वहां से इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। थाना पचम्बा, क्या हुआ था? लड़की जा रही थी, थोड़ा बाहर जा रही थी, निकली, तीन चार लड़का मिलकर छिड़कानी करने लगा, समझे? उसके बाद हमको घर में आने के बोलने लगा कि ऐसा सामान बात है, मुझे बोलने के लिए तो लोग मारने लगा, भुजाली चढ़ा के मेरा माथा मारा, मेरा माथा पूरा फटा हुआ। कितने लोग घायल हैं? लोग 5 आदमी, लड़की खाली लड़का था, लेडीज नहीं था। आप लोग कितने आदमी घायल हैं? हम लोग 2 आदमी। कौन लोग मारे, क्या नाम है उसका? उसका एक मुमताज है, मुन्ना है, वो आदिल है, एगो सलमान है, अरे जानू है, 5 लड़का मिलकर मारा। तो आप लोग थाना में दिए आवेदन? थाना गए थे, थाना बोले पहले जाओ वहाँ, पूरा लड़की एकदम ओढ़ने ओढ़ने छीन छाल लिया, उसके बाद हम किए बोलने लिए, उसके बाद उन लोग मिल के मारने लगा, एकदम ऐसा भुजाली मारा कि मेरा माथा में पूरा मारा, माथा फट गया एकदम। पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों पर अध्ययन करने के लिए गिरिडीह कॉलेज के जंतु विज्ञान के छात्र छात्राएं अपने प्रधानाध्यापकों के साथ शनिवार को कॉलेज परिसर में पक्षियों के प्रजातियों की गणना की।
इस दौरान शोध किया गया कि किस प्रजाति के पक्षी कम है। इनमें हमिंग बर्ड, गोरैया, सिट राइन, वैग टेल, रेवन आदि पक्षियों की संख्या कम मिली। अधिक संख्या में कौवा, कबूतर, ब्राउन सेलो आदि की संख्या अधिक मिली। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि पक्षियों की प्रजाति की जनसंख्या को दुनिया भर में ज्ञात करने के लिए कैंप बर्ड काउंट प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंत में किया जाता है। इसलिए IQSC और जंतु विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान चलाया गया। जंतु विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर ओमकार चौधरी ने कहा कि विश्व में पक्षियों की स्थिति का आकलन करने के लिए कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंपस बर्ड काउंट किया जाता है। जंतु विज्ञान के प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रभास मनी पाठक ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 200 कैंपस पक्षी जनगणना में भाग लेते हैं। आगे इस शोध परक विषय पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, चुन्नू अमर, सुभाष, संजीव विशाल, लिपि, निशिकांत, विक्रम, आयुष, आदिल, श्रेया, सुप्रिया, अफसाना, शिवानी आदि उपस्थित थे। गांडे पंचायत सचिवालय में पंचायत के मुखिया अमृत लाल पाठक के निर्देश पर शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से बचने के लिए प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित पानी टंकी से सुचारू रूप से जल आपूर्ति करने का विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से कुल 8 प्रस्ताव लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 16 मार्च से गांडे बाजार में सुचारू रूप से जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता का पुराना बकाया बिल माफ कर दिया जाएगा। वहीं सभी उपभोक्ताओं को पानी टंकी की मरम्मति के लिए 500 रुपया करके जमा करने का भी निर्णय लिया गया। जलापूर्ति शुरू होने के बाद सभी उपभोक्ताओं को 100 रुपये प्रति माह बिल जमा करना होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि घरेलू उपयोग के अलावा जो व्यक्ति व्यवसाय में पानी का उपयोग करेंगे उन्हें प्रति माह 200 रुपए बिल का भुगतान करना होगा। वहीं कहा गया कि वैसे लाभुक जो सप्लाई पानी का उपयोग नहीं करते हैं उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बताया गया कि गांडे बाजार में लगभग 10 महीने से जलापूर्ति ठप है। इस विषय में पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक ने कहा कि सुचारू रूप से जलापूर्ति का संचालन करने के लिए ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से जलापूर्ति शुरू करने में मदद की अपील की है ताकि गर्मी में ग्रामीणों को पानी का किल्लत ना हो। बैठक में पंचायत की जल सहिया कुसुम वर्मा, मुख्य प्रतिनिधि मिट्ठू पाठक, वसीम अख्तर, अनूप सिन्हा, अवध पाठक, टिंकू वर्मा, उप मुखिया मोहम्मद शमशेर सहित अन्य कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। महोरी वैश्य महामंडल का 111वां वार्षिक अधिवेशन का पहला दिन भागीरथ राम दर्वे, राजकिशोर राम, नरसिंह राम गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, रंजीत राम दर्वे, ठाकुर बाड़ी ट्रस्ट अध्यक्ष सुखदेव राम जी एवं गुज्जी मंडल सचिव दयानंद राम दर्वे, नव युवक समिति अध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर कोडरमा लोकसभा सांसद महोदया अनुपूर्णा देवी उपस्थित हुई, जिसमें केंद्रीय महिला समिति अध्यक्षा पूनम प्रकाश सेठ द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया, जहां सांसद महोदया ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि महोरी समाज का धर्म प्रचार राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसे गंभीर स्थिति में देश को महोरी समाज के द्वारा अतुल्य योगदान मिला है। तत्पश्चात सांसद अनुपूर्णा देवी ने महोरी समाज के इमारिका पुस्तक की विमोचन की। तत्पश्चात पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुचारू ढंग से चला, जैसे कार्यकारिणी बैठक, महिला कार्यकारिणी बैठक हुआ, जहां प्रथम दिन का पहली पाली का कार्यक्रम अर्थात कार्यकारिणी समिति की बैठक महामंडल केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता द्वारा विधिवत तरीके से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर वरीय उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, उपाध्यक्ष राजेंद्र तरवे, अनिल गुप्ता, उमर शंकर चरण पहाड़ी, सुमित कुमार, प्रदीप कुमार, शिव शंकर गुप्ता, अनुज सेठ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रेणु चरण पहाड़ी, महिला समिति केंद्रीय अध्यक्ष पूनम प्रकाश, रश्मि गुप्ता,
प्रतिमा सेठ एवं केंद्रीय नव समिति के संजीत तरवे, हरिमोहन कंदवे, कार्यकारिणी बैठक के समस्त पदाधिकारी गण मंचासनी थे। तदनुसार केंद्रीय महिला समिति अध्यक्षा पूनम प्रकाश सेठ द्वारा महिला समिति बैठक प्रारंभ किया गया। इस विशेष मौके पर कतरास मंडल के शत्रुघ्न राम, माहौरी वैश्य महामंडल के अंतरण समिति सदस्य, महिला समिति सदस्य वही गुज्जी मंडल अध्यक्ष संजय कुमार, सचिव दयानंद राम तरवे, संगठन मंत्री नवीन कुमार, गुरुचरण राम, अर्जुन राम, भीमराम, पवन राम, संजय प्रसाद गुप्ता, नवयुवक समिति सचिव चंदन माथुर सेठ, विपिन कुमार, निजेश लोहानी, सुमित कुमार, राजेश सिद्धांत, बालमुकुंद, ट्विंकल, मंथन, शुभम, विभिन्न मंडलों से आए अनेकों स्वजाति बंधु उपस्थित थे। आज के बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।